नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पाठशाला पे काउंसलिंग का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट राउंड कट ऑफ का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, सर किन बच्चों को फाइनली एकदम प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमारा बीए में कितना मार्क्स आया है तो हमारा होने की संभावना है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है जुबान से निकली हर चीज पत्थर की लकीर है, उसमें अप डाउन हो सकता है और इंतजार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल फर्स्ट राउंड के कट ऑफ में ही सबका इतिहास लिख जाएगा, टाइम लगता है। मैं आपको बोला हूं कि 10-20 डेज आपको लगेगा। सो प्लीज अभी मैं जो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक पॉइंट्स को समझना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग के बाद फर्स्ट राउंड आएगा तो पेमेंट का एक वीडियो आएगा कि पेमेंट कैसे करना है, उसमें गलती नहीं करना है। वीडियो देखने के बाद ही पेमेंट करें, बीएचयू पाठशाला सब्सक्राइब करें, अभी प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना जो भी कॉमेंट्स है वो कॉमेंट्स कर दें, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आज बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज। बेसिकली बच्चे क्या पूछ रहे थे, सर एफिलेटेड का कट ऑफ आप नहीं बता रहे हो, तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि एफिलेटेड में कितना नंबर लाओगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बीएचयू बीए कट ऑफ 2022, आपको इस रो का कट ऑफ तो पहले से मिल चुका है, आपने देखा होगा एफएमसी का, मैंने आपको बताया ही था कि इतने इतने मार्क्स पे आपका हो जाएगा। लेकिन आज मैंने आपको एफएमसी, एमएमवी, वीकेएम, एएमपीजी, डीएवी एक कॉलेज में मिस हो गया है, वो है वीसीडब्ल्यू। ऑलमोस्ट वो इसी दोनों के बीच में आएगा, तो आप लोग इस मार्क्स के बीच में रहिएगा तो आराम से उसको भी एज्यूम कर सकते हैं। अब शुरू किया जाए, सबसे पहले देखो कि जनरल में एफएमसी में मैंने पहले भी कमेंट किया था कि दोस्तों 300 प्लस पे फर्स्ट राउंड कट ऑफ चलाई जाएगी, लगभग चांसेस है 300 प्लस पे फर्स्ट राउंड कट ऑफ चलाई जाएगी। ध्यान देना, कई राउंड आएगा, ठीक है, और एफिलेटेड का अलग राउंड चलाया जाएगा, पेड का अलग राउंड चलाया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अवेयर रहना यार, ये मत सोचना पता नहीं कौन कौन से वीडियो आप देख लोगे यूट्यूब पे, फिर आप समझोगे। मैं आप मेरे वीडियोज अगर देख रहे हो तो सबसे पहले तो बाकी वीडियोज देखने के बाद मेरे के पास मत बोलना कि सर वो क्या बोल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो मुझे पता है कि मैं सही बोल रहा हूं, लगभग मेरी एनालिसिस ऑलमोस्ट सही रहेगी और कुछ गलती होता है तो मैं आगे बता दूंगा, बात खत्म। तो फाइनली अगर बीएचयू पाठशाला देख रहे हो सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गुड, ओके, एवरीथिंग विल बी गुड, ओके। जनरल का 300 प्लस फर्स्ट राउंड कट ऑफ, एमएमबी में जाती है लड़कियां 280, ध्यान देना इसमें लड़के नहीं पढ़ते हैं, ये गर्ल्स कॉलेज है, इसमें लड़के अपने आप को एज्यूम नहीं करेंगे। वीकेएम लड़कियों के लिए है 240 अप डाउन हो सकता है, ठीक है, 240 अप डाउन हो सकता है। एएमपीजी 250 अप डाउन हो सकता है। आप सोच रहे हो कि सर 240-250 कैसे हुआ, क्योंकि लड़कियों की च्वाइसेस बदलती रहती है, कभी लड़कियां एएमपीजी को अपना बेस्ट समझ लेती हैं, कभी लड़कियां वीसीडब्ल्यू या वीकेएम को अपना बेस्ट समझ लेती हैं। जैसे अब मेरे यहां क्या हुआ, न्यू सड़क पे एक लड़की, मुसलमान लड़की, लास्ट फर्स्ट काउंसलिंग में मेरे को मिली, उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे उस समय के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्क्स उसमें कुछ और हुआ करता, 260 पे उसको आराम से मेन कैंपस में जो डिजायर्ड प्रेफरेंस था उसको मिल जाता। लेकिन उस लड़की ने फिर भी मेरे को बोला कि सर मेरे को एफिलेटेड पढ़ना है, बताइए एफिलेटेड में कौन सा बेस्ट है। तो अपनी अपनी च्वाइसेज है, उसको गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां इन कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती, उनको लगता है हम गर्ल्स कॉलेज में ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर लेंगे। खैर गर्ल्स स्पेशल कॉलेज कल जा रहा है ये, प्लीज कल का जो लड़कियों के लिए वीडियो आ रहा है आप अपने गार्जियन को भी जरूर दिखाना, ठीक है, अपने मम्मी या पापा या दादा जो भी आपके घर में आपके गार्जियन है वो वीडियो आप जरूर दिखाना, पूरी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि गर्ल्स स्पेशल वीडियो कल जा रहा है। तो 250 अप डाउन हो सकता है, डीएवी इसमें लड़के भी पढ़ते हैं तो 280 अप डाउन हो सकता है, ओबीसी 280 यहां पे अप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहले वाले वीडियो मैंने 290 लिखा हुआ था, तो ये अब की भी गुंजाइश है, बाकी 280 पे भी ऑलमोस्ट हो सकता है। 260 महिला महाविद्यालय में, 250 अप डाउन हो सकता है, 240 और डीएवी में गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए 260 ऑलमोस्ट 270 के दरमियान आपके होने की संभावना है। 80 एससी कैटेगरी जो होते हैं उनके 260 डाउन होगा, ध्यान देना ये डाउन पे भी होने के चांसेस है, और आपके एमएमबी में 250 होने की संभावना है, वही 200 यहाँ पे 230 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और एएमपीजी तीनों कॉलेज में लिखा है कि ऑलमोस्ट 230 के इर्द गिर्द जो बच्चे होंगे, जो लड़कियां होंगी, उनको सिलेक्शन की पूरी चांसेस है। डीएवी में देखा जाए तो 245 के ऑलमोस्ट सिलेक्शन के चांसेस है। एसटी में देखा जाए तो एकदम सेफ से बता रहा हूं, 230 में इनको कॉलिंग आनी है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि एसटी में बच्चे होते, इसलिए मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, देख लेना एसटी में लगभग चांसेस जितना है बुलाया जाएगा। और हाँ बीएचयू पाठशाला पे पूरी कोशिश है कि मैं आपको फर्स्ट राउंड कट ऑफ की कट ऑफ लिस्ट भी बताऊंगा कि कितने लोगों कॉलिंग गई है, ये शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले।
उसके बाद 200 प्लस में ऑलमोस्ट हर एफिलेटेड कॉलेज में बच्चों का एसटी में भर दिया जाएगा, इसलिए मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली ज्यादा टाइम लॉस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जनरली मेरा बड़ा हो जाता है, और इसके पहले एक वीडियो गया है कि आप बीएचयू क्यों आना चाहते हो, प्लीज उस वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, आई बटन पर लगा दूंगा, और कॉमेंट करके बताएं कि आप बीएचयू क्यों आना चाहते हैं उस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, सबका कॉमेंट पड़ेगा, ठीक है। तो बीएचयू को सब्सक्राइब करो पाठशाला को, अभी जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, जो पहली बार देख रहा है देख रहे हो बीएचयू पाठशाला, क्योंकि यहां आपको मिलता है बहुत ऑफिशियल और एनालिसिस वीडियो जो आपके एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बीएचयू पाठशाला पे 2023 सीयूटी की जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम पैसे में होने वाला है, बहुत वंडरफुल समय आने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ाने वाले हैं 5 लोग की टीम, और आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाले हैं, आपके छोटे भाई बहन और जिनका नहीं होगा उनको भी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिएगा।